देखते हैं ट्रेन कितनी तेज चल सकती है। ये ट्रेन तो बहुत तेज भागती है। ये तो ब्लैक के कई टैलेंट्स में से एक है, और अब जब ये चल पड़ी है तो इसके रास्ते में कोई नहीं आ सकता। सर, कोई है जो हमारे रास्ते में खड़ा है? काश मैं ब्लैक का चेहरा देख पाता जब उसे पता चलता कि वो जिंदा है। फुल स्पीड से चलो। तो बताओ बाबा, हम आखिर इस ट्रेन को कैसे रोकें? दरअसल ये बड़ा ही अच्छा सवाल है। प्लान बी भी है? हाँ, आगे बढ़ो और स्लग से हरा दो उन्हें। हाँ, शायद हमें प्लान ए से काम चलाना चाहिए था। प्लान ए हो या बी, चलो करते हैं। हम ज्यादा देर तक ये स्पीड में नहीं चल सकते ही। तो क्यों ना ट्रेन की स्पीड को कम किया जाए? कॉर्ड प्लान सी, नेकी और पूछ। उन स्लग से तो खरोच भी नहीं आई। टायर पर हमला करो। हाँ, प्लान डी, मैं तैयार हूँ। बैंगोर, कमाल दिखाओ। ब्लैक सब कुछ इतना बढ़िया कैसे बना लेता है? लगता है ट्रेन को पटरी से उतारना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, प्लान ई, संभल कर ईलाय। उस पहाड़ी से नीचे गिरने के बाद मुझे लगा तुम खत्म हो गए हो। एक बार फिर तुमने मुझे निराश कर दिया। इसलिए तो मुझे इस काम में मजा आता है। वैसे मेरा काम भी कुछ कम मजेदार नहीं। इसके पास इतने सारे गूल आते कहाँ से हैं? तुम्हें क्या लगता है कॉर्ड? सिर्फ उसके लिए बचा कर रखे थे। या उसे गूल्स को बनाने का नया तरीका मिल गया है। हम पीछे से ट्रेन को नहीं रोक सकते। ट्रिक्सी, प्रॉन्टो, तुम दोनों फैल जाओ। प्लान एफ, ट्रेन पर चलो। क्या हुआ? तुम्हें यहाँ उतरना है? ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? बीस्ट फॉर्ज। अगर ब्लैक ने उसे बर्बाद कर दिया तो हम और मेका बीस्ट नहीं बना पाएंगे। मतलब स्लग जरा के लोगों को पूरी तरह से स्लग जरा एक्सप्रेस पर निर्भर रहना होगा। और ब्लैक पर भी। और कुछ नहीं। बीस्ट फॉर्ज 5,000 मीटर की दूरी पर है। हमें ट्रेन को फॉर्ज तक पहुँचने से पहले रोकना होगा। ग्रेंडल को कॉल करना होगा, उसे अलर्ट करो। ग्रेंडल, सभी को वहाँ से बाहर निकालो। हमारे पास कितना वक्त है? बहुत कम, 450 मीटर। वक्त बहुत कम है, और उसे रोकने के लिए जो करना था वो हम कर चुके हैं। सब कुछ नहीं, हमें डबल बैरल इस्तेमाल करना होगा। मुझे फ्यूजन शॉट ट्राई करना पड़ेगा। क्या? बिल्कुल नहीं, तुम नहीं कर सकते। हमने अभी तक टेस्ट भी नहीं किया। 200। तो इसे टेस्ट समझ लो।
क्या तुम तैयार हो? सॉरी एनिग्मा, मुझे नहीं लगता तुम्हारी धुंधली नजर मदद कर सकती है। पहुंच गए। कोड, मुझे कवर करो। ब्लैक, तुम्हारे पास आखिरी मौका है, हार मान लो। तुम्हें अभी भी लगता है तुम मुझे रोक पाओगे? नहीं, मुझे पता है कि मैं तुम्हें रोक सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास है ये। क्या? क्या हुआ? पता नहीं, पर जो चाहता था वो तो नहीं हुआ। तुम सब ठीक तो हो? ये स्लग्स बिल्कुल बेकार और आलसी आई। ये उनकी गलती नहीं है, लगता है उस एनर्जी वेव से उनका ये हाल हुआ है। पर उससे मेरे गूल्स पर कोई असर नहीं हुआ। उम्मीद है तुम्हें ये पसंद आया होगा, क्योंकि ये आखिरी चीज थी जो तुम देखोगे। तो इलाई शेन, अब जबकि ये तुम्हारा अंतिम दिन है, क्या तुम्हारी कोई आखिरी ओ जाने में दो अलविदा? क्या? तुम ब्लैक के साथ रहो, मुझे कुछ नहीं होगा। अब ठीक है ना सर? उस शेन से तो अच्छा ही था, वो मुझसे तो बच गया, पर बड़ी मुसीबत में फंस गया है। मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है, बहुत बुरा। यहाँ काम हो गया है, अब चलो लुमिनो कैवर्न में। पर उस बाकी की शेन गैंग का क्या करे, वो अब भी वहाँ होंगे। इलाई शेन के बिना वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके पीछे जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। ट्रिक्सी, हमें इलाई के पीछे जाना चाहिए था। सुना नहीं ब्लैक ने क्या कहा? अगर वो लुमिनो गुफा तक पहुँचे तो उसका भी हाल फौज जैसा ही होगा, हमें उस ट्रेन को रोकना होगा। इसके अलावा इलाई भी शैडो क्लैन के पास है, तो वो भी ठीक होगा ना? उम्मीद तो यही है शायद, मतलब चांस तो लग रहा है ही। रुको, क्या मिलन लक्षण? मतलब तुम्हें पता है कि डबल बैरल ब्लास्टर ने काम क्यों नहीं किया? तुम्हें मुझे बताना होगा ताकि मैं ब्लैक से निपट सकूं। ये तो तुम खुद देखो, या इसे देखो। क्या देखो? मैंने देखा दो स्लग्स कंबाइन हुए बिल्कुल शानदार तरीके से, और फिर सब कुछ गड़बड़ हो गई। जैसे आसपास के सारे स्लग्स की ताकत कम हो जाना। ये तो कभी अपने से लेकिन इसे बुरा नहीं होता है। वैसे तो मैं शक नहीं करता, लेकिन मैंने देखा कि हमारे पास बेस्ट स्लिंगर्स होने के बावजूद भी हम उस ट्रेन को नहीं रोक पाए। अब सवाल ये है कि हम ब्लैक को कैसे रोकेंगे? हाँ, उसे ब्रेक लाइन ब्रिज तक नहीं पहुँचने देकर ब्लैक की ट्रेन को लुमिनो गुफा तक पहुंचने के लिए यहां से गुजरना होगा। अगर हम उससे पहले वहां पहुंच गए तो बिना लड़े ही उसे रोक सकते हैं। हाँ, अच्छा प्लान है ट्रिक्सी, पर हम ये करेंगे कैसे? उसकी सुपरफास्ट ट्रेन की स्पीड डबल सुपरफास्ट है। हाँ, काश हमारे पास कोई खोजी होता जिसे शॉर्टकट्स पता होते तो शायद पहुँच सकते।
हाँ ऐसा तो होता जरूर है जी। एक मिनट, मैं तो तुम्हारे सामने, डरो मत, मेरे पीछे आओ, आ जाओ। प्लीज, ब्लैक के पास नया वेपन है, तुमने देखा है, वो उसे बुराई फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कोई उसे रोक नहीं सकता। तुम्हें मुझे स्लग्स को कंबाइन करने का सही तरीका सिखाना ही होगा। तो ठीक है, मेरे दोस्त वहाँ शायद ब्लैक से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, अगर तुम मदद नहीं करोगे तो मैं अकेले ही जाकर उससे लड़ूंगा। क्या? नहीं, मेरे दोस्त वहाँ खतरे में हैं। अगर तुम में से किसी को लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो तो फिर ठीक है। वो रहा ब्रिज, बहुत अच्छे प्रांटो। प्रांटो कभी रॉन्ग नहीं होता जी, मैं इस लग तरह के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। अब मेरे कमाल देखो। कमाल करने का वक्त आ गया है कॉर्ड, ब्लैक की ट्रेन बस यहाँ पहुँच नहीं होगी। मैं एक ट्रॉल हूँ, इसलिए तुम समझती हो कि मुझे ब्रिज के बारे में सब कुछ पता है। यही सच है। हाँ, सो तो है। मुझे उन सपोर्ट्स को निकालना होगा। इसमें तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है। वो आ रहे हैं। लगता है मुझे ये पुराने तरीके से ही करना होगा। कॉर्ड कभी रॉन्ग नहीं होता। अरे मेरे डायलॉग बोल रही दोस्तों। ये चीज उड़ भी सकती है? विश्वास नहीं होता। ये तो बहुत गड़बड़ आई जी। दोस्तों शायद हमें ब्रिज के उस तरफ होना चाहिए था जब हमने इस ब्रिज को उड़ा दिया। अब चलो भी दोस्तों, मेरी मदद करो। मुझे कैसे पता चलेगा तुम में से कौन मैच करता है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। नहीं एनिग्मो, मुझे तुम्हारी बदबू नहीं सूंघनी। ये क्या कर रहे हो? उम्मीद है कि तुम यहाँ मुझे क्लू देने आए हो। ओ, बहुत पहेलियाँ हो गई। ये कोई पहेली नहीं, जवाब हमारे हाथों में है। मुझे शूट करो। मैं तुम्हारे लक्षण देख सकता हूँ। तो तुम ये करते हो? हाँ, तुम तो पहले से मेरी मदद करना चाहते थे ना। शुक्रिया नन्हे दोस्त। चलो अब मैच करके देखें। नहीं, थ्रेशर और फ्रॉग स्मेल्टर। हाँ मिल गया। बसो, टॉर्च दोनों तैयार हो।
क्या तुमने वो देखा? बिना हथियार के अच्छा है। मुझे लगा था कि तुम सब इतनी आसानी से बात नहीं मानोगे। बीस्ट फोर्ज वाला मामला हमने सुना। ओ अच्छा, पर मैंने तो ऐसा सुना था कि वो एक हादसा था, बहुत बुरा हुआ। पर जिस तरह की बकवास मशीन्स वो बनाते थे, एक ना एक दिन तो ये होना ही था। हम यहाँ कोई हादसा नहीं होने देंगे। हम ये माइन तुम्हारे कंट्रोल में देंगे अगर तुम किसी को भी नुकसान न पहुँचाओ तो। तुमने कैसे सोच लिया कि मुझे तुम्हारी माइन चाहिए? मैंने अपने खुद की लुमिनो माइन ढूंढ ली है। अब तुम मेरे कॉम्पिटिशन हो और मेरे कॉम्पिटिशन को मैं खड़ा नहीं करता। ईलाई शेन, अब मैं क्या कहूँ? कहीं मैं तुम्हारे बीच में आकर गलती तो नहीं कर रहा? नहीं, ये मेरी गलती है और मैं अपनी गलती खुद सुधारता हूँ। मेरे ब्लास्टर को रिचार्ज होने में अभी वक्त है, फिर मैं डबल बैरल शॉट मार सकता हूँ, पर मैं अभी ये कर सकता हूँ। तुम शैडो क्लैन से कैसे बच गए? बचा? उन्होंने मुझे जाने दिया। वो बहुत अच्छे हैं अगर तुम उन्हें पहचानो तो। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। अगली बार वो तुम्हें नहीं बख्शेंगे। तो अब मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, कोई आखिरी ख्वाहिश? नहीं। इसका जवाब हमारे स्लग देंगे। तो बताओ, शैडो क्लैन ने खातिरदारी किया नहीं? वो सब बाद में बताता हूँ, पर फिलहाल मैं डबल बैरल के लिए तैयार हूँ। वो पिछली बार करने से पता है ना स्लग्स का क्या हाल हुआ था? फिर से करोगे तो प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। समझाने के लिए वक्त नहीं है, बस मुझ पर भरोसा रखो। वाह, ये काम करती है। अब हमारे पास ब्लैक के टक्कर का हथियार है, अब हम जीत सकते हैं। तो इसे इस्तेमाल करना तुम्हें शैडो क्लैन ने सिखाया? नहीं, इसने मुझे बताया। एनिग्मो के साथ मुझे थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि मैं इन स्लग्स को फ्यूजन मूव सिखा सकूं, और क्या पता किसी दिन मैं भी अनबीटेबल मास्टर जैसा पावरफुल बन जाऊं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनसे अच्छा बनूंगा। मुझे पता है कि तुम क्या बोल रहे हो, पर ये नहीं पता कि तुम सोच क्या रहे हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना दोस्त? क्या लगता है आजकल हर कोई दोबारा जिंदा हो रहा है? कैसे हो ब्लैक? डियाब्लोस नाचो, तुम जरूर मेरे लिए कोई खबर लाए होगे। खबर नहीं, चेतावनी लाया हूँ। अपनी हरकतें सुधार लो
वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तुमने मेरे मास्टर के साथ सौदा किया था, मैं इसीलिए आया हूँ कि तुम उसे पूरा करो।